अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू परवीन्स किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगी आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी रेसिपी है इडली। इडली किस तरह बनाते हैं मैं आज आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। उसके साथ हम सांभर जो है वो सर्व करेंगे, उसके साथ हम नारियल की चटनी वो सर्व करेंगे तड़के वाली। तो फर्स्ट हम उसका इडली का जो बैटर है उसको हम रेडी करते हैं किस तरह, वो आपको दिखाती हूँ। तो उसका बैटर बनाने के लिए हमने लिया है 2 कप उड़द दाल और 4 कप चावल, उसको हमने रात भर भिगो के रखा है। कप की साइज़ जो है आप कोई भी ले सकते हैं, बड़ी या छोटी। अगर आप उड़द की दाल ज़्यादा लेंगे तो आपका इडली जो है सही बनेगी नहीं, इसके लिए उसका जो हिसाब है उसी तरह आप। इसका मग जो है मैंने यूज़ किया है वो भी आपको बताती हूँ। देखिए ये जो मग है मैंने उसके हिसाब से वो लिया है। तो 2 कप मैंने उड़द दाल ली हूँ और 4 कप मैंने चावल ली हूँ। अब मैं चलती हूँ उसको पीसने की तरफ और उसका एक अच्छा और स्मूथ बैटर जो है तैयार करेंगे। ठीक है, इस और चावल हम मिक्सर में डाले हैं, पानी बिल्कुल नहीं लेने का। पानी हम लेंगे तो बस थोड़ा सा ही पीसने के हिसाब से, क्योंकि हमको ज़्यादा पतला नहीं चाहिए, हमको थिक चाहिए। तो इसके लिए हम पानी की क्वांटिटी जो है वो कम यूज़ करेंगे। देखिए हमने पीस लिया है, बहुत ही स्मूथ है। ओके, और इसी तरह गाढ़ा थिक चाहिए हमको, इसी क्योंकि अच्छे से हमारी इडली जो है बन जाए। इसी तरह सारा जो है वो मैं पीस लेती हूँ। देखिए मैंने पीसा है, किस तरह हमारी बैटर की थिकनेस है उसी तरह आप भी रखिए। 6-7 घंटे के लिए हम इसी तरह छोड़ देंगे। जब हमारा बैटर जो है राइज होगा उसके बाद हम उसकी इडली बनाएंगे। तो हम इस तरह हम उसको 6-7 घंटे के लिए रखते हैं। 6-7 घंटे के बाद हम देखते हैं इंशाल्लाह। चलो हम चलते हैं अभी सांभर और चटनी बनाने की तरफ। ये है सांभर की इंग्रेडिएंट्स। हमने 1 मग के हिसाब से तूर की डाल ली है, उसको हमने 4 घंटे भिगोया है। ये साइज़ का मग है। उसके बाद हमने एक बैंगन लिया है और एक कद्दू, 2-3 आलू, 2 प्याज जिसको हमने बड़ा बड़ा कट किया है, ये फ्लावर है, और ये गाजर है, और ये उसके मसाले। हमने नमक लिया है टेस्ट के हिसाब से, 1/2 टीस्पून हल्दी है, और यह है सांभर मसाला। यह है तड़का, हम लास्ट में तड़का देंगे। तो उसके लिए हमने लिया है 2-4 लाल मिर्च, 2-3 हरी मिर्च, करी पत्ता, जीरा है 1 टीस्पून, हमने 1 टीस्पून ड्राई लिया। यह है तड़का, ये हम लास्ट में इसको तड़का देंगे। अभी हम चलते हैं दाल को और आलू को हम कुकर में डालेंगे, क्योंकि दाल जो है हमारी अच्छी सॉफ्ट होना चाहिए। अभी आलू डालेंगे, उसके बाद हम हल्दी पाउडर डालेंगे और हम उसके हिसाब से पानी डालेंगे। अब हम इसको ढकते हैं और चूल्हे पे चढ़ाते हैं। देखो हमने कुकर में दाल जो चढ़ाए थे वो देखो इस तरह हुई है। हमने आलू को सेपरेट किया है और दाल जो है थोड़ी मैश करनी चाहिए, इसके लिए हमने आलू को सेपरेट किया। अभी दाल को हम मैश करेंगे थोड़ा इस तरह। देखिए अच्छे से मैश हो चुकी है। अब हम चलते हैं सांभर को पकाने की तरफ। चलो गैस की तरफ। देखिए हमने पॉट रखा है गैस पे, अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे, 2-3 टेबल स्पून ऑयल। उसको हम अच्छा गरम करेंगे। हम करी पत्ता डालेंगे, जीरा, होल जीरा, ड्राई
उसके बाद लाल मिर्च और हरी मिर्च, हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर ये प्याज जो है वो डालेंगे। ये प्याज भी अच्छे से माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, उसी तरह हम फ्राई करते रहेंगे। देखिए हमारा प्याज जो है अच्छे से जैसा चाहे उस तरह हमारा प्याज जो है फ्राई हुआ है। अब हम सब्जियां डालेंगे। ये हमने डाला फ्लावर की सब्जी, गाजर, इसको हमने डाला है। अभी अच्छे से हम इसको फ्राई करेंगे। लॉकडाउन की वजह से सब्जियां मिली हैं, आप चाहे तो जितने भी मिलती है सब्जियां उतने आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हम सैगत की फल्ली वगैरह और बहुत से सब्जियां है पर हमारे को मिले नहीं, उसके लिए हमने जो अवेलेबल थे उसका हम बनाते। हमने 5 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई किया है। अब हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। देखिए हमने टमाटर डाल के अच्छे से उसको फ्राई किया है। अब हम इसके अंदर कद्दू ऐड करेंगे। हम उसको अच्छा मिक्स करेंगे। देखिए हमने अच्छे से फ्राई किया है। अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे और ये है सांभर मसाला। मिक्स करेंगे हम। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। देखो हमने मिक्स किया अच्छे से। अब हम इसके ऊपर ढक्कन रख के उसको दम पर रखते हैं 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे। देखिए कैसी स्टीम आई है, मसाला जो है हमारी सब्जियों में अच्छे से अब्जॉर्ब हुआ है। और अब हम इसको हल्का मिक्स करेंगे। इसके अंदर हम देखिए हमने दाल डाला है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू है। अब हम इसको 10 मिनट तक ढककर पकाएंगे। हमारी सब्जियां जो है अच्छे से गल जाए उसके बाद हम आलू को ऐड करेंगे, क्योंकि आलू जो है हमारे ऑलरेडी कुक्ड है, उसके लिए हम उनको बाद में। देखिए 15 मिनट अच्छे से हमने पकाया है। अब हम चलते हैं चटनी की तरफ, जो कि हम इडली के साथ खाएंगे। तो वो है 1 कोकोनट जिसको हमने ग्रेट करके लिया है, हमने 1 लहसुन को बींज लिए हैं, 4-5 हरी मिर्च, करी पत्ता, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून राई। तो ये थी हमारी, तो ये जो 3 चीज़ें हैं वो हम तड़के के लिए यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को पीस कर उसकी हम चटनी बनाते हैं, फिर इसका हम तड़का देंगे। तो अब हम पीसने की तरफ चलते हैं। देखिए हमने पीस कर लेंगे। हम नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। तो ये हमने नमक डाला है, अब हम इसको पीसते हैं।
देखिए हमने चटनी को पीस लिया है, अब चलते हैं हम तड़के की तरफ। मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाली हूँ, अब मैं इसके अंदर राय डालूंगी। ये जीरा डाले हमने, उसके साथ में हम कड़ी पत्ता डालेंगे। देखिए हमारा तड़का रेडी हुआ है, अच्छी स्मेल आ रही है। अब हम चलते हैं उसके ऊपर डालने के लिए। देखिए हमारा तड़का जो अच्छे से हमने डाल दिया है, अब हम इसको जब सर्व करेंगे तो उसको अच्छे से मिक्स करके हम सर्व करेंगे। अब हम इसी तरह ढक के रखते हैं। इडली का बैटर है, ये राइस हो चुका है। अब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे और उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए इस तरह हमको उसकी थिकनेस चाहिए। देखिए बहुत अच्छा सॉफ्ट हुआ है, और देखिए किस तरह राइस हुआ है। इसके लिए हम पीस कर 5-6 घंटे के लिए रखना ही चाहिए अच्छे से राइस होने के लिए। देखिए हमने अच्छा मिक्स किया, अब हम इसके अंदर साँचे के अंदर इडली के डालेंगे। ये देखो ये है इडली का साँचा, इसमें हम डाल के पकाएंगे। तो अब हमने इसके अंदर इतना पानी डाल के उसको बॉईल करने रखा है। यह इडली के साँचा है, वो ये वाटिया के अंदर हम ये बैटर जो है डालते हैं। देखिए इस तरह हम सारे जो है वो भरेंगे। देखिए सारे हमने इस तरह भरे हैं, अब हम साँचे के अंदर डालते हैं। देखिए हम इसको साँचे में डालते हैं इस तरह। 15 मिनट तक हम स्टीम करेंगे, अब हम ढकते हैं। देखिए 15 मिनट हो गए, हमारी इडली जो है अच्छे से हो गई है। देखो बिल्कुल हो गया, अब हम इसको निकालते हैं। देखिए हमारी इडली बहुत ही अच्छे से मसाला हो गई है, अब हम इसको निकाल के सर्व करते हैं चटनी और सांभर के साथ में। लीजिए हो गई हमारी इडली सांभर और ये चटनी तैयार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे इजी टेस्टी रेसिपी के साथ में। अस्सलाम वालेकुम, इंजॉय करें।